अंधा कानून का एक जीता जागता उदाहरण बहराइच जनपद से सामने आया है। यहाँ एक परिवार पर दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया। ट्रायल कोर्ट ने पति को 10 वर्ष की सज़ा भी सुना दी। विवाहिता के गायब होने के 13 वर्ष बाद वह जीवित अवस्था में अपने जीजा के यहाँ पाई गई। पुलिस ने बरामद महिला को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। घटना थाना रामगांव क्षेत्र अंतर्गत ग्राम झिंघा जमापुरवा की बताई जा रही है, जहां की निवासी भागीरथी देवी ने पुलिस को सूचना दी कि उसकी बेटी रमा देवी को उसके ससुराली जन के लोगों ने दहेज की मांग पूरी न होने पर मार डाला। प्राथमिकी दर्ज होने की कोर्ट के आदेश पर पति कंधई सास तारा देवी जेठ और देवर समेत 4 लोगों पर दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। 4 आरोपियों को जेल भेज दिया गया। 5 महीने के बाद पति और उसके पहले देवर जेठ और सास की जमानत हुई। केस का ट्रायल शुरू हुआ और तत्कालीन अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम नंद प्रताप ओझा की कोर्ट ने पति कंधई को 10 वर्ष का सश्रम कारावास और 17,000 रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई। इस सज़ा के बाद 5 महीने जेल में रहने के बाद पति की हाई कोर्ट से जमानत हुई और वह जेल से बाहर आया। अब ये मुकदमा कंधई की औरत के बारे में था कि इन्होंने उसको मार डाला है दहेज के। वो मुकदमा चार्जशीट आई, मुकदमा चला, उस मुकदमे में इनको 10 साल की सजा। चालान हुआ तो करीब 6 महीने जेल में रहे और उसके बाद जब अपील हुई, अपील में इनकी जमानत हुई, अपील हाईकोर्ट में हुई, अपील हाईकोर्ट में हुई लखनऊ में, और उसमें इनकी जमानत हुई, उसमें भी जमानत छूटने तक 5 महीने सजा में रहे। 17,000 रुपये जुर्माना भी हुआ था, इसको इन्होंने जुर्माना जमा किया था वैद्य से। रामावती इस बीच में रामावती वो बीच बीच में छुप छुप करके अपने माँ भागदेव तो की माँ हुए भागदेव के पास आती जाती थी, लेकिन वो जान नहीं पाए। अब की बार जब आए कि वो लोग जान पाए, और जानने के बाद इन लोगों ने उसको पकड़ने की कोशिश की। लोग गाँव पूरा इकट्ठा हुआ, भागना चाहती थी, गांव इकट्ठा हो गया, कुछ विवाद भी हुआ, इतने में पुलिस आ गई, पुलिस उसको हैंडओवर करके ले आई। यानी जिस महिला की के अपहरण हत्या का की सजा इन्होंने इनको सजा हुई थी, वो महिला बरामद, वो महिला ही जिंदा निकली। अच्छा, इसके अंदर कहीं ना कहीं तत्कालीन जो पुलिस थी, वो पुलिस SHO थे, उनकी भी लापरवाही देखते हैं आप? उनकी लापरवाही ये है कि उन्होंने सही विवेचना नहीं, अगर सही विवेचना करते और जिन लोगों के खिलाफ इन्होंने 498 की रिपोर्ट थाने में लिखाई थी, उस आधार पर अगर तफ्तीश शुरू करते दोनों को मिला करके, तो शायद वो लड़की उसी समय बरामद। और एक निर्दोष आदमी जेल ना जाता, और ये जेल ना। धन्यवाद। हमारे शादी बाबू जी गाँव के गाँव ही के छंगा की लड़की के साथ शादी हुई। उसका लड़की का नाम है रामावती। रामावती के साथ शादी हुई 2007 में। उसके बाद तीसरे में गौना आया। गौना आने के बाद उन्होंने जब भेजा तो लड़की से कहा कि आप अपने पति से आप पैसा ले लो, तो हम अपनी पैसा इकट्ठा करके कुछ तुमको खेत खरीदेंगे। तो वो लड़की हमसे कही तो उनका भी हम पैसा में कहा ही नहीं, हम नहीं दे पाएंगे। उसके बाद उसने घर बुला के कहा कि अगर पैसा नहीं दोगे तो हम ये बसर नहीं बनेंगे, आप अपनी लड़की का शादी जिससे अपनी लड़की का शादी आपने किया है तो आप पैसा दे दो, मैंने बसर हो देंगे, तो हम कहाँ पैसा नहीं देंगे। सुबह सोच के लिए घर से हमरे निकल गए कि हम लोग पूछा कि कहाँ जा रहे हैं, कहीं सोच करने जा रहे हैं। उसके बाद हमारे ससुर छंगा उसने मेरे ऊपर मुकदमा कर दिया कि आपने दहेज मांगा था, नहीं दिया है, इसलिए आप हजम कर दें, हमका जिंदा या मुर्दा लग गया। तो साहब जब हम मारा नहीं उस वक्त तो हम कहाँ से लाए थे, हमारे जानकारी भी नहीं रही। हम इसी मामले में हमको जेल भिजवा दिया। मेरी माँ, हमारे भाई दो भाई जेल, 4 लोग जेल में रहे। 2017 में 30-10 हमको सजा हुई, हम फिर जेल चले गए औरत के चक्कर में। वो औरत फिर परसों 28 तारीख को मिटका चुबेपुरवा गांव में अपने जीजा के यहाँ आए थे, तो परसों हमने बरामद किया है पुलिस वाले के सामने के हाथ है। महिला को किसने बरामद किया? हाँ, SHO साहब आए हैं, महिला पुलिस भी रहे, उस लो ले गए।
थाने में राखी थाने बाद यहाँ महिला वहाँ भेजी है महिला थाने वहाँ से कल भेजा है। आप लोगों को कैसे पता चला कि महिला अपने जीजा के यहाँ आई है? हम कल उनका पता इसलिए चला कि वहाँ पे हमारा नाती था रिश्तेदार। इस मुकदमे में कितने साल की सजा आपको हुई थी? हमको ये मुकदमा 10 साल की सजा भाई, 10 साल की सजा, उसके बाद 17,000 रुपये जुर्माना। कुल कितना समय आपने जेल में बिताया इस मुकदमे को लेकर? इस मुकदमे में 5 महीना ही बिताया, 6 महीना ही बिताया। हाँ।